एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3800, यानी 7 बैट्स और 6 बॉल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 3800 रुपीज। इसी तरह लिखा है लेटर बाद में सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर RS 1750 रुपीज, यानी 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है, 1750 रुपीज। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच का मतलब प्रत्येक, एक बैट की कॉस्ट बतानी है एंड ईच बॉल यानी एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि आपके पास जो कॉस्ट है एक बैट की वो कितनी है, एक्स रुपीज। इसी तरह एक बॉल की कॉस्ट मान लेते हैं कितनी है, वाई रुपीज। अब यहां से देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है फर्स्ट वाली लाइन में कि 7 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स। तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। इसी तरह एक बॉल की कॉस्ट कितनी मानी है, वाई। तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितने के आ रहे हैं, 3800 के। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। यहां से मैंने क्या किया है कि x की वैल्यू और इवेल्युएट कर लिया। तो यहां से पहले इसको 6y को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -6y हो जाएगा और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह यहां से देखिए सेकेंड वाली में क्या लिखा है मेरे पास कि 3 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x। तो 3 बैटों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये आपके पास एक इक्वेशन ये रही यहां पे और एक इक्वेशन ये रही। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू इवेल्युएट कर देनी है। यहां पे मैं मेथड यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू जो निकाली है हमने, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या किया मैंने कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी इस x की जगह, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। तो यहां से क्या करते हैं कि इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने। आप लोग यहाँ पे जस्ट एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके देखिए, आपके पास सेम यही वैल्यू आएगी। पहले 3 की इस टर्म से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना बना, 11400। फिर 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 18y। और यहाँ पे एलसीएम और लिया है साथ साथ, तो इस 7 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी 35, और ये 7 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म से भी होगी तो ये टर्म बन जाएगी। यहां से y को इवेल्युएट करते हैं तो इन दोनों को एडअप करेंगे तो क्या बचा आपके पास, प्लस का 17y। इस वाली टर्म को क्या किया, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी। इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये बनेगा 850 रुपीज। अब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस टर्म को 17 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू मेरे पास बनी है 50 रुपीज। इसी तरह से क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को, जो y की वैल्यू आई है हमारे पास, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये रही इक्वेशन 1 की x की वैल्यू और इवेल्युएट कर लेंगे, y की जगह हमें क्या रखना है, 50। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इक्वेशन 1 में जो y लिखा हुआ है इसकी जगह हमने लिख दिया 50। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनेगा ये आपके पास, 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3500। अब उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो x क्या था मेरे पास, एक बैट की कॉस्ट थी ना, तो 1 बैट की कॉस्ट कितनी आई आपके पास, 500 रुपीज। और 1 बॉल की कॉस्ट कितनी आई, y था ना 1 बॉल, तो y की कितनी वैल्यू आई थी, 50 रुपीज। तो 1 बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई, 50 रुपीज। थैंक यू।